निकाय चुनाव को लेकर पार्षद प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वार्ड नंबर 19 आर्य नगर से भाजपा के टिकट पर पार्षद प्रत्याशी योगेश घागड़ भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि संपर्क अभियान में जनता का पारिस नहीं मिल रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर वे पार्षद चुने जाते हैं तो उनके मुख्य एजेंडे में साफ सफाई रहेगी। वहीं उन्होंने ये भी साफ किया है कि दून में जो छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनसे अवैध वसूली कर रहे लोगों पर भी शिकंजा कसेंगे। बता दें कि योगेश पूर्व में DBS कॉलेज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी हमारा डोर टू डोर कन्वेंसिंग चल रहा है वार्ड में, जैसे कि बहुत सारी समस्या है सड़कों की, पानी की समस्या है। जैसे कि अभी मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो सफाई की भी बहुत समस्या है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि नालियाँ साफ़ नहीं होती है, बहुत सारी समस्या है, सफाई वाले ठीक से काम नहीं करते हैं, नालियाँ जो टूटी हैं वो अभी तक बनी नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जब हम चुनकर आएंगे तो नालियाँ वगैरह की जो मरम्मत करानी है उसको दुरुस्त करेंगे, जो रोड ख़राब है उसको ठीक करेंगे, जो पानी की समस्या लोगों द्वारा बताई जा रही है उसको दूर करेंगे। हाँ, इसको लेके भी बिल्कुल काम किया जाएगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर गांव से पढ़ाई के लिए यहाँ पर लोग रहने आते हैं उनसे बहुत लोग अवैध वसूली के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग उस पर भी काम करेंगे, जो अवैध वसूली कर रहे हैं उस पर भी रोक लगाने का हम पूरा प्रयास करेंगे।